नमस्ते जी सभी को। आज हम इस कबाड़ से जुगाड़ करेंगे। ये मेरा घर का कबाड़ है, देख सकते हैं आप। ये पुताई हुई थी जब का डब्बा तीसरी मंजिल पे पड़ा था झूले के पास। इससे कभी कभी मैं पौधों में पानी दे देती, तो इसे देख के आज मेरे माइंड में आया कि चलो करते हैं। और ये पत्तियां हैं, ये भी मैंने जब पौधे से निकाली थी तो रख दी थी, अब ये सूख गई हैं। कौन से पौधे की हैं पत्ती, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये वाला पौधा है, जो इसकी ये पत्तियां, जब इस पर नई आई थी ना तो ये निकाल के रख दी थी माली ने, तो ये मैंने सूखने के लिए रख दी थी। इन्हें कम से कम 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने से रखी थी। तो आज हम इन्हीं से 2 DIY बनाएंगे, इन पत्तियों का अलग और इस डब्बे का अलग। डब्बे से तो मैं प्लांटर बना रही हूँ, और कैसे बनाऊँगी अभी आप देखना। तो पहले मैं इसको अच्छे से साफ कर लेती हूँ। बहुत अच्छे तो साफ नहीं करना है आपको इसको, लेकिन हाँ, जो इस पे सीमेंट लगाया थोड़ा मोटा मोटा सा, वो हटाना है। ये देखो मैंने इसका अधिकतर हटा दिया है। इसके मुझे कुंदे काटने हैं ताकि ये इवन हो जाए। तो ये मैंने चाकू गर्म कर रही हूँ गैस पे। प्लास्टिक को ना गर्म चाकू से काटते हैं तो थोड़ी आसानी से कट जाती है, नहीं तो फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखो दोनों चाकू गर्म कर लिए थे मैंने, दोनों तरफ के मैंने काट दिए हैं। अब इन पत्तियों को भी ना, मैं नीचे कांटे होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा, तो थोड़े थोड़े से काट के, और इनकी डंडी जितनी मतलब मुझे जिस हिसाब से बनाना है, ये नहीं काट रही हूँ। मैंने पहले तो सोची थी काटूंगी, लेकिन नहीं काट रही। और ऊपर से भी मैं कुछ पत्तियाँ ना टूटी हुई थी इसकी, तो उन्हें इक्वल कर दूंगी ताकि ऊपर से शेप अच्छी लगे और नीचे से भी पकड़ने लायक इनका हत्ता कर लूँगी, मतलब जैसे हम हाथ में इन्हें आराम से पकड़ पाए। जो पत्ती टूटी फूटी है नीचे से, वो भी मैं निकाल दूँगी, और कांटे भी निकल जाएंगे इस तरह। इतने तेज कांटे हैं, बहुत तेज चुभते हैं इसमें। इस पत्तियों की जो किनारे होते हैं ना, चोंच, वहाँ से ये बहुत कांटों की तरह चुभती हैं, तो इसलिए इस पेड़ को बंदर भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते। अब देखो 6 पत्ती रख ली है मैंने ये, और ये मैं स्प्रे पेंट लेके आई हूँ गोल्डन कलर का। एक ये स्प्रे पेंट है सिल्वर कलर का। तो इन्हें मैं अच्छे से सेक करके इन पर करूँगी। तो 6 पत्ती तो मैं सिल्वर करूँगी और 6 ही गोल्डन। तो ये पहले मैं गोल्डन वाली कर रही हूँ, और क्योंकि पत्तियों का कलर भी कुछ कुछ ऐसा ही है गोल्डन सा ही, तो इतना ज़्यादा यहाँ तो अंधेरे में तो दिख नहीं रहा है, लेकिन रोशनी में मैं इन्हें रख के तब आपको दिखाऊँगी कि ये कैसी लगेंगी। और मैं स्प्रे पेंट का पहली बार यूज कर रही हूँ, लेकिन ठीक हो रहा है। और मैंने सारे फर्श पे पेपर बिछा लिए हैं ताकि फर्श गंदा ना हो, और नीचे अभी ने उल्टा करके इनके उल्टी साइड भी कर दूंगी। तो बस इसी तरह से आप, अगर वैसा वाला पेंट है बुरुस वाला, तो बुरुस से भी कर सकते हैं। कुछ पत्तियां मैं बुरुस वाले पेंट से भी करूंगी। और इस तरह मैं इनको किनारी भी इनकी अच्छे से, देखो ये यहाँ पे मैंने बाहर सूखने के लिए रख दिए हैं धूप में। और अब मैं इन्हें सिल्वर वाले पे भी, जो सिल्वर कलर है स्प्रे पेंट, उससे सिल्वर भी पत्तियां कर लूंगी। और ये सिल्वर अच्छी लग रही है, क्योंकि पत्ती का कलर गोल्डन है तो सिल्वर अलग ही चमक रहा है कि सिल्वर कलर हो रहा है। देख सकते हैं आप कितनी प्यारी सी लग रही है ये पत्ती। और ये इन पत्तियों में तो मुझे कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। और यही पत्ती जब आप दिवाली पे वास बनवाते हैं मार्केट में, एक पत्ती 60 या 50 रुपीज की मिलती है। वो ऐसा ही करते हैं, इन्हें सुखा के बस इन पे पेंट कर देते हैं। देखो ये सिल्वर भी मैंने यहाँ रख दिया है, इधर गोल्डन रखी है। धूप लग जाएंगी तो जल्दी सूख जाएंगी। अब ये मैंने जो पायल के कलर हैं वो कलर लिए हैं, तो उनसे ये जो बाकी बची हुई पत्तियाँ हैं, जैसे 2 तो मैं रेड कर लूँगी, येल्लो कर लूँगी और ब्लू कर लूँगी, तो इन्हें मैं ब्रश से करूँगी, क्योंकि ये स्प्रे नहीं है तो पेंट भी थोड़ा है, तो इसे मैं स्प्रे से नहीं कर सकती। तो इस तरह मैं इन्हें आराम आराम से, बस ये है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है करने में, लेकिन हो जाती हैं। देखो ये मैंने फिर कॉटन ले लिया, कॉटन से बहुत अच्छे से होगी थी, क्योंकि बुरुस से इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, लेकिन कॉटन से बहुत अच्छी होगी। तो देखो काम तो फैला बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बहुत सुंदर चीज़ बन के तैयार होगी। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है हरी चीज़ में। ये ब्लू वाली कर देती हूँ मैं। ब्लू मैंने एक ही की है, क्योंकि कलर भी कम था और पत्तियाँ भी अब इतनी ज़्यादा मेरे पास नहीं बची थी। और ये येलो एक छोटी है और एक बड़ी, तो ये 2 मैं येलो से कर दूंगी। और ये पत्तियों का कलर हल्का सा ग्रीनी है ना, ग्रीनी गोल्डन सा, तो इस पे येलो कलर होगा, ग्रीनी सा ही वो लुक आ रहा है, लेमन सा। और ये जो गोल्डन पेंट है इस डब्बे में, थोड़ा सा अंदर की साइड में कर दूंगी, किनारे किनारे पे, ताकि बाहर से थोड़ा ठीक ठीक लगे ये,
क्योंकि बाहर तो हमें इस पे काम करना है, तो अंदर की साइड किनारे जहाँ मैंने साफ किए हैं वहाँ पे हल्का सा गोल्डन पेंट कर देती हूँ, ताकि देखने से ऐसा लगे कि ये गोल्ड है। ये बाकी पत्ती भी मैंने सूखने के लिए, अब हम इस वास को बना लेते हैं पहले कि हमें वास के साथ क्या करना है। ये रस्सी मैं लेके आई हूँ 10 रुपये मीटर, दो कलर की लाई हूँ, तो इसी से मैं ये वास बनाऊंगी। तो ग्लू गन की हेल्प से आप इस तरह ये रस्सी यहाँ पे इसको अच्छे से पहले स्टिच कर लें, स्टिक कर लें कि ये मतलब निकले ना, और फिर चारों तरफ इस पे हम इस तरह ग्लू गन लगाते चले जाएंगे, ग्लू लगाते चले जाएंगे, और उसके बाद ये स्टिक होती चली जाएगी और बहुत आसानी से चिपक जाती है। आप चाहे तो फेविकोल से भी चिपका सकते हैं, लेकिन फेविकोल से ना थोड़ा टाइम लगता है चिपकने में, तो उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास ये गन है तो आप इससे लगा सकते हैं, नहीं तो आप फेविकोल से देख लेना, अगर चिपक जाए तो आप फेविकोल से भी चिपका सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है रस्सी ऐसी हो, रस्सी आपके पास अगर कोई सुतली रखी है तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो ये आप इस तरह इसको पूरा पहले सिक्योर कर दें ताकि ये निकले ना, और इसके साइड साइड लगाते हुए हम इस वाले कलर से हम बनाएंगे बॉर्डर, और बीच में हम दूसरा कलर लगाएंगे, तो चार लाइन हम इसकी बना लेंगे। और जिधर जो जोड़ है, ये जोड़ लगा है, हर बार धागा यहीं से घूमेगा, तो ये हम बीच में रखेंगे पीछे की साइड। देखो चार लाइन मैंने बना दिया, अब मैंने दूसरा कलर लगा लिया यहाँ से। इसे भी मैं इसी तरह लगाते हुए पूरे डब्बे पे फैला लूंगी, बस हमें ऊपर चार लाइन का ही जगह छोड़नी है ताकि फिर हम ऊपर बॉर्डर बॉर्डर बना पाए इस पे। तो उसके लिए अब मैं चारों तरफ पहले इसे लगा लूंगी। देखो ये मैंने पूरा लगा लिया है और ये बस लास्ट चल रहा है, ये थर्ड लाइन चल रही है। अब हम इस पे फोर्थ लाइन करेंगे बस ऊपर, ये लास्ट चल रहा है मेरा। चारों तरफ ऐसे ही लपेटना है, इसीलिए मैंने पूरा लपेट के तभी आपको दिखाया है। कोई इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है कि भाई कढ़ाई करनी है या कुछ ऐसा करना है, तो बस रस्सी ही चारों तरफ घुमानी है, तो आप इजीली कर सकते हैं इस काम को। और ये एक इतनी सुंदर चीज़ बन के तैयार होगी। यही अगर आप ये वाला प्लांटर मार्केट से लेंगे ना, कम से कम है 500-600 रुपये का मिलेगा ऑनलाइन। लोकल मार्केट में मिलेगा या नहीं ये तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन ऑनलाइन ही मैंने ऐसे चेक किए हैं 500-600 रुपये के हैं इतने बड़े प्लांटर। जो बहुत छोटे आते हैं ना 4 इंच 5 इंच वाले, वो भी 250-300 रुपये के मिलते हैं। तो आपका ये एक प्लांटर बन गया। ये जो जोड़ है ये मैंने सारे एक सीध में आ रहा है, तो इसको हम पीछे की साइड रखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट हो गया है, फ्रंट के लिए मैंने ये एक बनाया है। इसका वीडियो में शूट करना भूल गई है, इस तरह बनाया। देखो एक रस्सी काटी थी तो रस्सी को एक तरफ से ऐसा घुमा लिया, ठीक है, इस तरह बन गया। और रस्सी का जो दूसरा कोना था उसको ऐसा अपोजिट साइड घुमाया है, तो उससे ये एक हमारे इस तरह फूल बन गया है। इस फूल को हम इसके फ्रंट साइड लगा देंगे ताकि हमें मतलब ध्यान रहे कि ये हमारा फ्रंट है इसका। तो ये इस तरह देखो एक डिजाइनर सा पीस बन गया है। यहाँ पे आप मिरर लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये दो मोती पड़े हैं तो ये मैं इसे लगा देती हूँ। और ये मोती ना माता रानी की एक माला थी, वो टूट गई थी, तो उसके मोती हैं ये काफ़ी सालों से हैं मेरे पास। एक उसमें वास में पड़े रहते हैं, 10-12 मोती हैं, तो ये दो मैंने इसमें लगा दिए। तो देखो ये हमारा प्लांटर बन के तैयार हो गया, एकदम मास्टर पीस। और देखो मैंने आपको डेकोरेट करके भी दिखा दिया है, आप अपना कोई भी पौधा इस तरह इसमें रख सकते हैं और अपना एक कोना बेहतरीन लुक दे सकते हैं उस कोने को। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह आप भी बना सकते हैं एक सुंदर पीस। और इसमें आप कोई भी प्लांटर रख सकते हैं, मैं आपको अलग अलग रख के दिखा रही हूँ कि कैसा लुक आ रहा है। पहले मनी प्लांट रखा था, अब ये वाला प्लांट रखा है, और इसके बाद मैं आपको इसमें रख के दिखाऊंगी स्नेक प्लांट। और आप इससे इसमें कोई आर्टिफिशियल प्लांट भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल ही रखने हैं। मेरे तो ये तीनों ही ओरिजिनल हैं। तो ये देखो स्नेक प्लांट भी इसमें कितना प्यारा लग रहा है, और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपको कितना आपने ये कितना महंगा परचेज किया है। लग रहा है ना सुंदर? तो आप भी ऐसे ही बेकार की चीज़ों से अपने घर को सजा सकते हैं। घर को सजाने के लिए बिल्कुल भी कीमती चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़े से आइडिया और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है।
और एक बार अगर आप चीज बना लेते हैं, वो सालों साल आपका साथ देती है। तो अब देख लेते हैं कि मैंने पत्तियां सजाई तो उनसे मैं क्या करूंगी। मेरी सारी पत्तियां मैं इकट्ठी करके ले आई हूँ, और ये जो मैंने घड़ा बना रखा है ना, मटका, ये पानी का मटका था, ये भी मैंने खुद ही डेकोरेट किया था। तो ये पत्तियां सारी मैं इस मटके में लगा दूंगी, और ये मेरा वास बनके तैयार हो गया है, मल्टी कलर का, गोल्डन, सिल्वर, येलो, रेड, सब तरह की पत्तियां इसमें हैं। और आप इस तरह अपनी बैठक में, लोबी में या आउटडोर एरिया में, जहाँ चाहे आप इसको रख सकते हैं। फिलहाल तो मेरा ये बैठक में ही रखा है, लेकिन देखते हैं फेस्टिवल में मैं इसे कहाँ रखती हूँ। तो इस तरह आप डेकोरेट कर सकते हैं अपने घर में बेकार की चीज़ों से। देखो इन पत्तियों को चाहे तो मैं फेंक सकती थी, 2 महीने से मैंने इनको रख रखा है सुखाने के लिए, और ये अब मैंने पेंट करके इसमें लगा दिए, कितनी प्यारी लग रही है। एक फ्री की चीज़ से बहुत सुंदर आइटम बन के तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी पसंद आता है, थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी अच्छी अच्छी देखने के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्ते और राधे राधे।